मुझे लगता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के पश्चात कांग्रेस पार्टी की जो हालत यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अब उनको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। अनेकों सरकारी कार्यक्रमों में जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है वो सरकारी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, और कर्मचारियों को डराकर धमकाकर जो सेवारत कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र का डर दिखाकर जो है उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। और एक बार झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों में प्रदेश की जनता को ये ध्यान में आ गया कि कांग्रेस ने मात्र वोट लेने के लिए झूठी गारंटियाँ दी हैं, और आज वातावरण धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है। और मुझे लगता है कि हिमाचल में फिर से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतेगी। मुझे लगता है कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हारने के पश्चात कांग्रेस पार्टी की जो हालत यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अब उनको कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। अनेकों सरकारी कार्यक्रमों में जिन लोगों को जनता ने नकार दिया है वो सरकारी कार्यक्रमों में जा रहे हैं, और कर्मचारियों को डराकर धमकाकर जो सेवारत कर्मचारी है, जो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको ट्रांसफ़र का डर दिखाकर जो है उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा रहा है, और उसको फोटो भी जो है वो मीडिया में, सोशल मीडिया में भी वायरल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बौखलाहट का ये परिचय है, और आज कांग्रेस जो है वो बुरी तरह से हताश है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन विभागों के अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार जहाँ पर कांग्रेस की सदस्यता किसी कर्मचारी को दिलाई जा रही है, इस पर थोड़ा सा विभाग भी संज्ञान ले। एक बार झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा के चुनावों में प्रदेश की जनता को ये ध्यान में आ गया कि कांग्रेस ने मात्र वोट लेने के लिए झूठी गारंटियां दी हैं, और आज वातावरण धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है। और मुझे लगता है कि हिमाचल में फिर से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें जीतेगी, और कांग्रेस की गारंटियां जो विधानसभा चुनावों में उन्होंने दी है वो सारे एक्सपोज हो गए हैं।